नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर यह बताऊँगा कि कैसे हम लोग दो अलग अलग सेल्स के नंबर्स को कैसे अलग जगह हम लोग उसको टोटल कैसे करेंगे। जनरली क्या होता है, जब हम लोग किसी का मार्क्स टोटल करते हैं तो पूरा का पूरा हम लोग टोटल करते हैं। अब मान लेते हैं ये जो 60 है, सिर्फ ये देखिए यहाँ पे ये वाला 60 है प्लस यहाँ पे 80 है, सिर्फ ये दो सेल्स को ही हमको टोटल करना है। यहाँ पे देखिए पूरे मार्क्स को टोटल करके ये 306 हो रहा है, तो मान लेते हैं सिर्फ 60 और 80 को ही टोटल करना है। ये इंग्लिश वाला ये जो सेल है इसको टोटल करना है और ये वाला साइंस वाला सिर्फ मार्क्स को टोटल करना है। तो कैसे करेंगे, अलग जगह कैसे करेंगे? तो नॉर्मल जो फॉर्मूला है टोटल करने का, मैं आपको दो तरीके दिखाता हूँ, सिंपल दो तरीके दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे देखिए कॉलम नंबर देख सकते हैं, ये बी कॉलम और रो नंबर 2। ये जो 60 है जो जिस सेल में है, पहले उसका एड्रेस जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये बी नंबर कॉलम है, रो नंबर 2 है, देख सकते हैं यहाँ 2 लिखा हुआ है। और ये डी नंबर कॉलम में ये वाला सेल के अंदर मार्क्स है 80 है, डी नंबर कॉलम है, रो नंबर 2 है। अब इसको कहीं भी आपको टोटल करना है, किसी भी सेल में, जैसे यहाँ पे नीचे मान लेते हैं या साइड में कहीं भी अगर आपको टोटल करना है 60 और 80 को, तो ये अलग है ये सेल का और ये सेल अलग है। अब दोनों को अलग अलग सेल्स का हम लोग अलग जगह टोटल करेंगे। तो किसी भी सेल में क्लिक करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर क्लिक कर दिया मैंने। अब जो फार्मूला है एक्सेल का टोटल करने का, तो वो है जो भी फार्मूला हम लोग एक्सेल में अप्लाई करते हैं तो वो इक्वल टू का साइन देते हैं, मतलब बराबर का साइन देते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सम। देखिए मैंने यहाँ पे सम लिख दिया है, उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट देंगे, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट दे दिया। और जो पहला देखिए बी नंबर कॉलम है, रो नंबर 2 है, तो इस सेल में हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा देखिए बी 2 यहाँ पर शो कर रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है बी 2। इसका मतलब यह बी नंबर कॉलम और रो नंबर 2 इसको टोटल करना है। और यहाँ पे फार्मूला मैंने दे दिया इक्वल टू सम, फर्स्ट ब्रैकेट बी 2 दिया है, उसके बाद आपको कॉमा दे देना होगा, ये मैंने कॉमा दे दिया। अब किसको टोटल करना है, ये 60, उसके बाद ये साइंस वाला जो मार्क्स है यहाँ पे 80 जो दिया हुआ डी कॉलम और रो नंबर 2, तो 80 पे ये वाला कॉलम पे सिर्फ क्लिक कर देंगे। अब देखिए जैसे इस पर मैंने क्लिक किया है इसका एड्रेस यहाँ पे शो कर रहा है, देखिए बी 2 उसके बाद कॉमा दिया डी 2 दिया, मतलब हमें सम करना है, बी 2 का करना है, मतलब इसका करना है 60 वाला का करना है और प्लस डी 2 का करना है, मतलब बी 2 का भी टोटल करना है प्लस डी 2 का भी टोटल करना है। तो दोनों मिला के अलग जगह पे आपको इसको टोटल करना है। उसके बाद हम इसे शिफ्ट दबा के ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ये हो गया फार्मूला, प्लस फार्मूला बार में भी देखिए ये शो कर रहा है इक्वल टू सम, फर्स्ट ब्रैकेट बी 2 कॉमा डी 2, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दिया, उसके बाद इंटर दबा देते हैं। देखिए 140 आ गया इसका आंसर, देखिए यहाँ पे 140, मतलब ये 60 और 80 को अगर टोटल करते हैं तो 140 आ गया यहाँ पे। तो किसी भी सेल में, और एक फार्मूला मैं आपको और दिखा देता हूँ, एक और दूसरा फार्मूला मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, सिंपल है, बहुत सिंपल है। जैसे कहीं भी आपको करना है, तो किसी भी सेल में आपको किसी का भी नंबर्स का टोटल करना है, तो कहीं भी आप क्लिक कर दीजिए किसी भी सेल में। जैसे यहाँ खाली ब्लैंक जगह पर मैंने क्लिक किया, लेकिन याद रखिएगा इक्वल टू आपको साइन देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक किया, इक्वल टू का साइन दे दिया। अब मान लेते हैं हमें क्या करना है, टोटल करना है, किसका करना है, जैसे ये 60 है उसके बाद आपका 50 करना है, ये देख लीजिए यहाँ पे ये 60 वाला करना है प्लस ये नीचे वाला जो सेल है यहाँ पे करना है, यहाँ पे देख लीजिए। तो क्या करना है, पहले इक्वल टू सम यहाँ पे इक्वल टू दे दिया है, उसके बाद 60 वाला ये वाला कॉलम जो है बी 2 पे यहाँ पे क्लिक कर दिया, उसके बाद शिफ्ट दबा के प्लस का साइन होगा, देखिएगा प्लस का साइन दे दीजिए, देखिए ये वाला 60 वाला ये बी 2 दे दिया मैंने। अब मान लेते हैं यहाँ पे D4, देखिए D नंबर कॉलम में ये 50 इसको करना है और ये रो नंबर कितना है 4 है, तो D कॉलम और यहाँ पे रो 4 है तो D4 होगा, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो एड्रेस शो कर रहा है B2, मतलब ये वाला B2 और प्लस करना है D4 का करना है, तो यहाँ सेल का एड्रेस है प्लस D4 दे दिया, इक्वल टू B2 प्लस D4 दिया हुआ है। उसके बाद इंटर हम लोग प्रेस कर देते हैं, ये मैंने इंटर प्रेस कर दिया, देखिए 110 आ गया, देख सकते हैं 110 आया है। ये अगर मान लेते हैं यहाँ पे देखिए B2 का कितना है 60 है और D4 शो कर रहा है, तो D4 का यहाँ पे 50 है, तो देख सकते हैं कितना है 110, 110 हो गया टोटल। तो बहुत ही सिंपल है, किसी भी जगह पे किसी भी सेल का नंबर आप किसी भी सेल में आप उसे टोटल
कर सकते हैं। मान लेते हैं तीन का करना है तो क्या करेंगे, अगर तीन सेल का करना है तो सिंपल उसी तरह आपको करना होगा, तो कहीं पे भी क्लिक कर देते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब इक्वल टू, सिंपल तरीका, इक्वल टू का साइन देते हैं, देने के बाद मान लेते हैं यहाँ पे देखिए 60 है, अगर इसको टोटल करना है 60 80, और यहाँ पे मान लेते हैं 80 इसको टोटल करना है, किसी किसी सेल का भी कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमें 60 का करना है, ये 60 का ये वाला पे क्लिक कर देते हैं, ये वाला ई कितना है, ई यहाँ पे 5 दिया हुआ, तो यहाँ पे हमें क्लिक करना होगा, देखिए ई और 5 का आ गया, देखिए ई 5 शो कर रहा है, प्लस फिर शिफ्ट दबा के हम इसे प्लस का साइन दे देते हैं। अब किसका करना है, मान लेते हैं हमें नीचे वाला करना है, ये वाला 80 वाला पे, डी कितना है, डी 7 है, ये 80 इसको भी ऐड करना है, तो इस पर भी हम लोग क्लिक कर देंगे, सिर्फ प्लस का साइन देना है। देखिए यहाँ पे 60 हो गया प्लस 80 हो गया, ये हो गया। फिर अगेन आपको क्या करना है, फिर आप शिफ्ट दबा के यहाँ से प्लस का साइन दे दीजिए। अब अगर दूसरा करना है, मान लेते हैं 60 करना है, तो इस पर भी क्लिक कर देते हैं, देखिए यहाँ पे दे दिया, बी 2 दे दिया। अब देखिए यहाँ पे तीन, एक E5 करना है, E5 का 60 करना है, और D7 का यहाँ पे 80, देखिए यहाँ पे D7 शो कर रहा है, प्लस B यहाँ पे B2 है। अब तीनों का टोटल करना है, तो सिर्फ प्लस का साइन लगा दिया यहाँ पे, तीन सेल का देखिए यहाँ पे टोटल आ जाएगा, उसके बाद इंटर प्रेस कर देना है, तो यहाँ पे 200 हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे 200 हो गया। 60 प्लस आपको किसका करना है, 60 हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं पहले E5 दिया हुआ, तो E5 में चले आते हैं, E5 कहाँ है, यहाँ पे 60 है, ये वाला है। उसके बाद आपका कितना है, D7 शो कर रहा है, तो D7 कहाँ है, देखिए D7 यहाँ पे है, 60 और आपका 80 है। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद यहाँ पे B2 है, B2 ये वाला है, तो तीनों को अगर ऐड करेंगे तो 200 हो गया। तो आप इस तरह किसी भी सेल का, दो अलग अलग सेल्स या तीन अलग अलग सेल्स का नंबर्स को आप किसी भी अलग सेल्स में आप उसे टोटल कर सकते हैं। मैंने सिंपल तरीका बताया, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और भी कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।